पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। यत्तुक्तम ही टीका में कुछ है यत्तुक्तम नहीं। यत्तुक्तम अन्नमयादि अमुख्यात्म प्रवाह पति तत्वाद आनंदमय श्यापि अमुख्यत्वमिति वृत्तिकार मत चल रहा है। वहाँ पूर्व पीछे ने कहा था वो आनंदमय मुख्य आनंद नहीं होगा क्योंकि अन्नमय अन्न का विकार आत्मा है। अन्नमय प्राणमय मनमय सबका आत्मा स्वदेश तो कहा मुख्य आत्मा है। अमुख्य अमुख्य प्रवाह में आनंदमय आया इसलिए आनंदमय भी मुख्य आत्मा नहीं होगा अमुख्य होगा। पूर्व पक्ष ने कहा था यतुतम अन्नमय आदि सब मुख्य है अमुख्य आत्मा। अमुख्य आत्मा का प्रवाह पहला क्या है अन्नमय प्राणमय मनमय चाय हो गया आगे आगे उसी प्रवाह में आएगा आनंदमय। तो प्रवाह के अंदर है प्रवाह में पतित स्थित होने से आनंदमय श्यापी अमुख्यत्व आनंदमय भी अमुख्य आत्मा मुख्य नहीं होगा ऐसे पूर्व पीछे ने कहा था। इति जो कहा था उसको कहते थे नासु दस टीका में यह आया था लिंगाद अमुख्यात्म समनिधिर बाद सन्निधि के अपेक्षा सन्निधि का बाद हो जाए लिंग से लिंग ही ज्ञापक शब्द ये आनंदमय के लिए ज्ञापक शब्द आनंद ब्रह्म के लिए कहा गया इससे सन्निधि का बाद हो जाएगा। किसकी सन्निधि अमुख्य आत्मा प्रवाह की सन्निधि अमुख्य आत्मा की सन्निधि आनंदमय का नाम आया अमुख्य आत्मा की सन्निधि में किसकी सन्निधि में क्योंकि अन्नमय आज से लेकर विज्ञानमय तक सब अमुख्य आत्मा उसके सन्निधि समीप में आनंदमय तो सन्निधि प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण बलवान है। लिंग ज्ञापक शब्द आनंदमय अभ्यास बार बार आनंद को कहा इसलिए लिंग से सन्निधि का बाध हो जाएगा कहा नाश हो दोष ये दोष नहीं। पूरा पीछे कहता है सब अमुख्य आत्मा उनके साथ आनंदमय आए तो अमुख्य होगा सिद्धांत सिद्धांत वहाँ कहता है वृत्तिकार मत में ठीक है प्रवाह में है सन्निधि तो है बलवान होना चाहिए किंतु उससे और बलवान है लिंग क्यों आनंदमय आनंद लेना है ब्रह्म उसके आनंदमय बार बार आनंद कहा गया ये लिंग से सन्निधि का बाद हो जाएगा। आनंदमय से सर्वांतरत्वात् ये सबके अंदर आनंदमय सबके अंदर है आनंदमय के अंदर और कोई कोष है ये ज्ञापक हो गया। सर्वांतरत्व न श्रुतम इतिहास सर्वांतरत्व तो कहाँ कहा गया आनंदमय के लिए सर्वांतरत्व तो नहीं कहा गया इतिहास क्यों सिद्धांति कहता है पूर्व वृत्तिकार मत के अनुसार उससे अन्य कोई कहा गया क्या अन्य अंतरात्मा जिसे अन्नमय से अन्य अंतरात्मा प्राणमय प्राणमय से अन्य अंतरात्मा मनमय मनमय के अन्य अंतरात्मा विज्ञान विज्ञानमय के अन्य अंतरात्मा आनंदमय से अन्य अंतरात्मा कहा गया नहीं कहा गया तो क्या अर्थ हुआ सबके अंदर हो गया तब तो अन्य से अनुक्त है आनंदमय से अन्य का कथन नहीं करने से सर्वांतर हो गया तस्य सर्वांतरत्वम तस्य कस्य आनंद सर्वांतर इति विवृणति विवरण करता है सिद्धांति वृत्तिकार मत में मुख्य मुख्यमेव ही आत्मान उपदिदिषु मुख्य आत्मा का उपदेश करने वाला शास्त्र लोक बुद्धि मानुसरत लोक बुद्धि को लेकर के
लोग क्या स्थूल शरीर को आत्मा मानते, मैं ही कहते, उसको ले करके अन्नमय से प्रारंभ किया। लोक बुद्धि को ले करके मुख्य को बताएंगे, जैसे मुख्य अरुंधति बताने के लिए थोड़ा से बताते, मुख्य आनंद आत्मा को बताने के लिए लोक बुद्धि को लेकर देह में अन्न आत्मा बुद्धि है, देह से लेकर अन्नमय प्राणमय से कह करके का उपदेश किया। लोक बुद्धि में टीका में देखो, तस्या स्थूलग्राहिताम अनुसार लोक बुद्धि, लोकों की बुद्धि स्थूल को ग्रहण करती है, सूक्ष्म को स्थूल ग्रहण करती है, स्थूल शरीर दिखता है, स्थूलग्राहिताम तस्या मतलब बुद्धि, स्थूल ग्रहण करने वाली उसके अनुसरण करते हुए पहले अन्नमय का आत्मा बताया, उसके बाद अन्नमय के बाद कहेंगे प्राणमय कहेंगे। पहले लोक बुद्धि मनुसरत मूल में आ गया, आगे देखो अन्नमयम शरीरम, अन्नमय शरीर आत्मा है अनात्मा है, अनात्मानम अत्यंत मूढ़ानाम आत्मत्व प्रसिद्धम, अन्नमय शरीर तो अनात्मा है, अत्यंत मूढ़ उसको आत्मा मानते, मैं मोटा मैं मनुष्य अत्यंत मूढ़ानाम आत्मत्व प्रसिद्धम, जो प्रसिद्ध है लोक में उसका अनुवाद किया, उसका उपदेश नहीं, अन्नमय को जो आत्मा कहा गया इसका उपदेश नहीं। सामान्य लोग अन्नमय को आत्मा मानते हैं, जो मानते उसका अनुवाद करके उसके अंदर को देखो आत्मा है, ये अन्नमय आत्मा नहीं, लोग जो मानते उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर कैसे जैसे साँचा बनाते, साँचा बनाते उसमें पिघल करके ताम्र पीतल सोने का पिघल कर उसमें डाल देंगे, फिर ठंडा पर निकालेंगे तो अंदर से उसके मूर्ति आदि निकलती है। इसी प्रकार यहाँ अन्नमय के अंदर अन्नमय साँचा जैसे हो जाएगा, उसके अंदर है क्या प्राणमय, देखो दिया अनात्मान अत्यंत मूढ़ानम आत्मत्व प्रसिद्धम अनुद्य मूसा निशित द्रुत ताम्रादि प्रतिमावत, मूसा है साँचा, साँचा कहते हैं मूसा, उसमें निशिक्त पिघाल करके डालना, क्या डालेंगे द्रुत त्राम, द्रुत का अर्थ है द्रवीभूत पिघल गया, तो ताम्र है ताम्र कठिन है, गर्म करेंगे पिघलाएंगे तो एकदम पतला पिघल जाएगा, द्रुत मतलब द्रवीभूत पतला हो गया, कैसे तो पतला होता है द्रवीभूत, कैसे होगा पानी मिलाने से गर्म करने से, ताम्रादि ताम्र पीतल सुवर्ण आदि कि प्रतिमा मिल जाता है, प्रतिमा बद प्रतिमा जैसे होती, इसी प्रकार अन्नमय के अंदर क्या होगा प्राणमय, तत्व अंतरम मन तत्व मन आत्म नहीं अन्नमय के अंतर प्राणमय, तत्व अंतरम तत्व अंतरम तत्व पहले प्राणमय फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे कहते कहते आनंद में जाएंगे। इतम पूर्वेण पूर्वेण समानम उत्तरम उत्तरम, पूर्व के समान उत्तर आगे के समान उसके उत्तर उसके आगे समान उत्तर उत्तरम अन्नमय के बाद किसका नाम है प्राण, वो भी अनात्मा है, उसके उत्तर किसका है वो भी अनात्मा है, उसके उत्तर किसका वो भी अनात्मा है, उत्तर उत्तरम अनात्मानम आत्मा यदि ग्रह है तो उसका आत्मा कह करके, इसको छोड़ो अंदर आत्मा है, उसको छोड़ो अंदर आत्मा है, ऐसे कह कर बाहर में बाहर को छोड़ करके अंत में आत्मा को ग्रहण कराते हुए ऐसे क्यों बुलाते हैं, मुख्य को बताने के लिए सरल से ज्ञान कराने के लिए बाहर से एक एक कर छोड़ो, प्रतिपति सौकर्य अपेक्षा प्रतिपति ज्ञान, ज्ञान में सौकर्य शुकर सरल से ज्ञान होने के लिए इसकी अपेक्षा करके सर्वांतरम सबके अंदर कौन है आनंदमय, उसको मुख्य कहता है वहाँ सिद्धांति वृत्तिकार मत के अनुसार, और सर्वांतरम मुख्यम आनंदमय आत्मानु उपदेश शास्त्र, मुख्य आनंदमय आत्मा का उपदेश किया, इति श्रेष्ठतरम युक्ततरम, श्रेष्ठ मतलब युक्त युक्ततरम, क्या मानना चाहिए पूर्वपक्षी वृत्तिकार मत के अनुसार सिद्धांति कहता है मुख्य आनंदमय को आत्मा को उपदेश करने के लिए अमुख्य आत्मा एक एक कर लिया, उसके अंदर आत्मा उसके अंदर आत्मा उसके अंदर आत्मा कहते कहते जो सबके अंदर है, सबके अंदर कौन हुआ वो आनंदमय है, मुख्य आत्मा का उपदेश किया, इसको उपदेश करने के लिए स्थूल बुद्धि के अनुसार अन्नमय से प्रारंभ किया, ये युक्त है। इसमें दृष्टांत
यथा अरुंधति निदर्शन, अरुंधति को दिखाने के लिए बहुत तारा दिखाएंगे, अरुंधति से भिन्न स्थूल दिखा कर अंत में सूक्ष्म को दिखाएंगे। बहिष्वपि ताराशु, पहले जो तारा को बहुत तारा को दिखाएंगे अरुंधति है, अमुख्याशु अरुंधति, मुख्य अरुंधति नहीं, अमुख्य अरुंधति कौन है? अरुंधति देखो वो बहुत बड़े बड़े तारा दिखते हैं, सुनने वाला श्रोता इतने सौ अरुंधति होंगे, अमुख्य अरुंधति मुख्य नहीं, अमुख्याशु अरुंधति शु दर्शिताशु। अभी अमुख्य अरुंधति दिखा लिया, दिखा दिया तारा है, दिखाने का तो अंत में दिखा देखो जो वशिष्ठ है उसके नीचे देखो, जो अंत में दिखाते हैं वही अरुंधति या अंत्या प्रदर्श्यते, अंत में जो तारा दिखाते सा मुख्या अरुंधति। मुख्य अरुंधति के दिखाने के पहले जिनको दिखाया था उसको मुख्य अरुंधति है, अमुख्य है, अमुख्य सब दिखाने के बाद अंत में क्या दिखाया? मुख्य अरुंधति भवती। जिस प्रकार इसी प्रकार यहाँ भी समझना, मुख्य आत्मा को उपदेश करने के लिए अमुख्य आत्मा का उपदेश किया, अन्नमय प्राणमय करते करते अंत में जिसको दिखाया, किसको दिखाया? वही मुख्य आत्मा है। एवं यहापि आनंदमय से सर्वांतरत्वात्, सबके अंदर हुआ, सब सर्व सबके अंदर है, सबसे अंदर है, इसलिए मुख्यम आत्मत्वम, मुख्य आत्मा कौन हुआ? आनंदमय। पूरा पीछे कहता है वो तो मुख्य आत्मा होगा तो उसका अवयव कैसे हुआ? प्रिय मोद प्रमोद उसका अवयव कहा गया आनंदमय का। यदि मुख्य आत्मा आनंदमय होगा, मुख्य आत्मा में तो निरवयव, उसका अवयव नहीं, अवयव कहा गया, अवयव कहा गया इसलिए मुख्य आत्मा नहीं होगा, जीवात्मा को लो। यत्तु ब्रूसे सिद्धांति कहता है, जो तुम कहते हो प्रियादिनाम शिरत्वादि कल्पना अनुपन्ना, मुख्य से आत्मा न, मुख्य आत्मा में प्रियादि सिर है, मोद है, प्रमोद वाम पक्ष दक्षिणा पक्ष, ये कल्पना मुख्य आत्मा में बनेगी? अनुपन्ना, अनुपन्ना का शिरत्वादि कल्पना, प्रियादि नाम शिरत्वादि कल्पना, प्रियादि में शिरत्वादि जो कल्पना वो नहीं बनेगी, कस्य मुख्य से आत्मा, मुख्य आत्मा में स्थिरत्वादि कल्पना नहीं बनेगी, ऐसा जो तुम बोलते हो। ये जो कहा गया वस्तु तो क्या है? अतीत अनंतर जो उपाधि है विज्ञानमय, उस उपाधि के कारण ही उसका अवयव बताया। आनंद मुख्य आत्मा में कोई अवयव नहीं है, उसके पहले जो उपाधि आनंद विज्ञानमय, उसके उपाधि के कारण अवयव बताया। देख अतीत अनंतर उपाधि जनित, अतीत अनंतर, अनंतर का क्या अर्थ है? अव्यवधाय, अव्यहित पूर्व, अव्यहित पूर्व में, अतीत पूर्व, अनंतर अव्यवहित, अतीत अनंतर कौन है? विज्ञान। उसके ये उपाधि जनिता सा शिरत्वादि कल्पना, जो अवयव कल्पना है पूर्व विज्ञानमय के कारण ही उपाधि कल्पना, उपाधि के कारण अवयव की कल्पना, आनंदमय में वास्तव अवयव नहीं है, सा न स्वाभाविक, आनंदमय स्वाभाविक अवयव नहीं है। अवयव कल्पना जो हुई वो कैसा है? उपाधि जनित, उपाधि कौन हुआ? विज्ञान में उसके पहले तो प्रिय आदि जो शिरत्वादि कही गई, शिरत्वादि कल्पना की गई, वो आनंदमय स्वाभाविक है, हैं स्वाभाविक नहीं है, न स्वाभाविक ही है, इतने अदोष कोई दोष नहीं, ये वृत्तिकार मत चल रहा है। शारीरत्वम अपि आनंदमय से, उसको शारीर का, शारीर कैसे, शारीर संबंधी कैसे होगा मुख्य आत्मा? कहते आनंदमय जो कहा है अन्नमय भी शारीर का, उसी परंपरा से होने से आनंदमय को शारीर कह दिया। अन्नमय आदि शरीर परंपराया प्रदर्शमानत्वाद, शरीर परंपरा से दिखाते, इसलिए अन्नमय को शारीर, उसके अंदर शारीर, उसके अंदर शारीर, तो अंदर जो आनंदमय उसको भी शारीर, शरीर में होने वाले कह दिया। न पुनः साक्षादेव शारीरत्म संसारित्वम संसारीवत, संसारी जीव वो शरीर है उसका, वो शारीरत्व उसमें रहेगा, शरीर संबंधी है, इसी प्रकार आनंदमय साक्षात शारीरत्वम नहीं है, वो तो मुख्य नहीं है, ऐसे कह दिया। तस्माद
आनंदमय परैव आत्मा। आनंदमय क्या होगा? आनंदमय अभ्यासात आनंदमय परमात्मा है। ये किसने कहा? वृत्तिकार मत के अनुसार सिद्धांति। इसके ऊपर वृत्तिकार मत के विरुद्ध पूरा पीछे कहेगा पहले टीका में। अतीतो ही अनंत उपाधि नहीं, उसके पहले रह गया। ताम्रस्य मूसाकार तोवत, मूसा जिसका मूसा का आकार पिघल करे, ताम्र डालेंगे पिघल करे तो उसका आकार मूसा का आकार होगा, जैसे चाचा में जैसे इस आकार निकलेगा मूसाकार तोवत। प्राणस्य प्राण भी अन्नमय के अंदर, तो प्राण किसका कैसे आकार होगा? देहाकार हो जाएगा, देह के समान हो जाएगा। उसके अंदर फिर मनमय है तथा मन, मन का क्या आकार होगा? प्राणाकार हो जाएगा उसके समान। इसलिए कहा पूर्वेण पूर्वेण उत्थमान उत्तर उत्तरम। आगे कहा अतीत अनंतर उपाधि, आनंदमय के पहले अतीत यु अनंतर उपाधि। अतीत जो अव्यवहित उपाधि कौन है? विज्ञानमय कोश, विज्ञान कोश तत्कृता। विज्ञानमय कोश के कारण सावय तो कल्पना हुई, उपाधि के कारण आनंदमय में किसकी कल्पना? सावयोति कल्पना। शरीर न ज्ञेयता शारीरत्वम इति, शरीर से ज्ञेय इसलिए शारीर कह दिया। शरीर संबंध यही नहीं, उसके अंदर ज्ञेय होता है इसे शारीर कह दिया। शारीरत्वम इति लिंगद्वयम दुर्बलम, सायाभाद अभ्यास सर्वांतरद्वाभ्याम विकास निर्वाद। हाँ, ये जो लिंग पूर्व पीछे ने कहा था, पूर्व पीछे ने कहा सावयवत्व और शारीरत्व, ये जो लिंग तो है ये दुर्बल है, ये लिंग कोई नहीं। वो तो पहले जो कहा सर्वांतर है वो अभ्यास है आनंद का, वो लिंग प्रबल है। ये जो लिंग है कि सावयव तो और शारीर तो, ये लिंग तो दुर्बल है। अतः सहायाभावात, उसका कोई सन्निधि जो आप कहते हो, सन्निधि के लिए कोई सहाय प्रमाण है ही नहीं। और हमारे पास क्या है? एक है तो अभ्यास आनंदमय अभ्यास, तो बार बार कहा गया पहले बता दिया। और दूसरा एक बता है सर्वांतर, तो आनंदमय सर्वांतर दो हो गया, दो लिंग है वेदांत सिद्धांति सिद्धांतिक होता है वृत्तिकार मत के अनुसार। अभ्यास सर्वांतरत्वाभ्याम दो हो गए, किसका बाद होगा? विकार के सन्निधि में आया अन्नमय अन्न का विकार हो, प्राणमय प्राण का विकार हो, मनमय मन का विकार हो, ये विकार के सन्निधि में जो आनंद में आया किसका बाद होगा? सन्निधि का बाद हो जाएगा। किसके बाद होगा? किसके द्वारा बाद होगा? लिंगे के द्वारा। लिंग क्या क्या है? अभ्यास सर्वांतरत्व, इसके द्वारा सन्निधि का बाद हो जाएगा। सन्निधि किसके सन्निधि? विकार की सन्निधि। किसमें सन्निधि? आनंदमय में, उसका बाद होकर के लिंग से आनंदमय मुख्य आत्मा हो जाएगा। इति भाव। आगे टीका में विकार अर्थ का मयट श्रुति सहाय, पूर्व पीछे कहता है हमारा सहाय है, क्या है? मयट प्रति है ना, क्या प्रति? आनंदमय में मयट, तो मयट होने के कारण वो तो विकारार्थक है मयट। मयट वही तो भाषायाम अवक्षाच्छादन हो सूत्र है, मालूम है? तस्य विकार हो एक सूत्र है मयट करने वाले। अवयव प्राणी औषधि वृक्षेभ्य हो ऐसे सूत्र है, विकार और अवयव के लिए दो सूत्र मयट करने वाले। विकार में मयट करने के लिए सूत्र है तस्य विकार हो, अवय में करने के लिए अवयव च प्राणी औषधि वृक्षेभ्य हो, ये अवयव हो गया। आगे मयट वेतर मयट वा एतयो, ये दोनों में विकार और अवय में भाषायाम लोक में अभक्षासाधन भक्षासाधन को छोड़ करके अन्यत्र मयट होता है, विकार अर्थ में होता है और अवय में। तो मयट विकार के लिए हुआ, पूरा पीछे कहता है विकारार्थक मयट है, ये हमारा सहाय हो जाएगा।
विकार अर्थ का मठ जो हुआ आनंदमय आनंद का विकार होगा, मुख्य आत्मा मुख्य आनंद नहीं होगा, आनंद का विकार होगा। ये हमारा सहाय श्रुति सहाय इतिहास सिद्धांत कहता है मयठ केवल विकार अर्थ नहीं होता है, तत्प्रकृत वचन है मयठ, प्राचुर्य के लिए भी मयठ होता है। अन्नमय यज्ञ, अन्नमय यज्ञ, यज्ञ अन्नमय अर्थात यज्ञ में अन्न प्रचुर बहुत अन्न है। हाँ विकार अर्थ हुआ तो मयठ प्राचुर्य भी विधानात, मयठ का विधान प्राचुर्य में भी है किस सूत्र से, तत्प्रकृत वचन है मयठ मैव मिथ्या विकार, विकार शब्दाने तिचे न प्राचुर्यात, पूर्वपिशिका विकार शब्दात न, विकार शब्द है आनंदमय मुख्य आत्मा कैसे होगा, विकार शब्दात न आनंदमय आत्मा मुख्य आत्मा नहीं है। इति चेत यहाँ तक हुआ पूर्वपिश इति चेत, यदि कहते हो सिद्धांत बोलता है न यहाँ जो मयठ प्रत्यय प्राचुर्या तो प्राचुर्य अर्थ है मयठ, पूर्व पीछे ने मयठ किस अर्थ में कहा, विकार शब्द कौन है मयठ, विकार अर्थ है मयठ होने से न किम न आनंदमय मुख्य आत्मा नहीं होगा। इति यदि कह तो सिद्धांत कहता न ये मयठ तो प्राचुर्य अर्थ में प्राचुर्या तो मयठ का तो प्राचुर्य इसलिए मुख्य आत्मा होगा। नत्राह कृपिश कहता न आनंदमय परात्मा भवितुम अर्हति, आनंदमय परात्मा भवितुम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अकस्मात विकार शब्द, विकार शब्द विकार के शब्द कौन है मयठ प्रत्यय विकार शब्द है। प्रकृति वचनात अयम अन्य शब्द विकार वचन समझ गए, प्रकृत वचन प्रकृति वचन से अयम अन्य शब्द विकार वचक अन्य आनंदमय, केवल आनंद नहीं केवल आनंद है प्रकृति उसे मयठ हो गया आनंद का विकार, तो प्रकृति वचन से अन्य हो गया विकार, आनंद शब्द से मयठ हुआ मयठ है प्रत्यय प्रकृति कौन है आनंद, जो प्रकृतिवाद शब्द है उसे आनंदमय अन्य हुआ ना नहीं, अन्य शब्द विकार वचन समझिए विकार वचन विकार वचन तो आनंदमय थी मयठ विकार अर्थ, तो आनंदमय में मयठ क्या अर्थ कहे विकार अर्थ हुआ तो मुख्य आनंद नहीं हुआ तो विकार हो गया। तस्माद अन्नमय आदि शब्दवत अन्नमय प्राणमय मनमय में कोई मुख्य आनंद मुख्य आत्मा है विकार कोई है नहीं है सारे विकार है, इसलिए आनंदमय भी विकार विषय व आनंदमय शब्द आनंदमय शब्द भी विकार अर्थ होगा आनंद का विकार होगा। इति चे विकार शब्द न इति चेत यहाँ तक पूर्व पीछे व्याख्यान हुआ सिद्धांति का अनुभव न प्राचुर्यात न ये कौन कहेगा सिद्धांत क्यों नहीं प्राचुर्यार्थ भी मयठ श्रवणार्थ प्राचुर्यात उसका अर्थ प्राचुर्यार्थ भी मयठ श्रवणार्थ प्राचुर्य अर्थ में मयठ होता है कहाँ कहा गया सूत्र दे दिया तत्प्रकृत वचन है मयठ इति ही प्रचुरतायाम अपनी मयठ स्मार्यते मयठ किस अर्थ में कहा गया प्रचुरता में टीका में तत्प्रकृत वचन है मयठ हाँ सूत्र क्या टीका में तत्प्रकृत वचन है मयठ सूत्र है तत् क्या भी होती है प्रथमा तदिति प्रथमा समर्थात ये सो करते हैं विधान करते जो प्रथमांत है उसको लेकर के समर्थात यहाँ जो भी कहेंगे तस्य विकार पहले क्या कहा तस्य विकार प्रत्यय होगा मयठ प्रत्यय होगा किस व्यवत्यंत से होगा षष्ठी से होगा तस्य षष्ठ्यंत तस्य अपत्यम अब जो अपत्य करेंगे किसे व्यवत्यंत से सत्यंत होगा प्रथम तथ्य होगा और तत्प्रकृत वचन कहेंगे तत् प्रथमांत और जो मयठ होगा किसे होगा प्रथमांत से होगा तदिति प्रथमा समर्थात समर्थात समर्थ से होगा समर्थात प्रथमात
प्रथमाद्वा पहले समर्थात प्रथमाद्वा पहले जो उच्चारण किया प्रथमा समर्था प्रथमांत से शब्दात प्राचुर विशिष्ट से प्रस्तुत से ये प्रकृत से का अर्थ प्रकृत से वचने तत् प्रकृत वचने प्रकृत से वचनम प्रकृत वचनम प्रकृत से वचने प्रकृत का अर्थ क्या क्या प्राचुर्य विशिष्ट से प्रस्तुत से प्राचुर्य युष्ट जो प्रस्तुत है उपस्थित है जिसमें प्राचुर्य प्रचुरता अधिका प्रस्तुत से वचने प्रकृत से वचने प्रकृत वचन में षष्ठी समास है प्रकृत से वचने वचने का क्या अर्थ है अभिधान वचन कथन प्रकृत से क्या क्या अर्थ हुआ प्राचुर्य विशिष्ट से प्रस्तुत से प्राचुर्य से युक्त जो प्रस्तुत है उपस्थित है उसका कथन करने में गम्य माने मयट प्रत्यय भवती क्या प्रत्यय होगा ये सूत्र का अर्थ हुआ कोई सूत्र का अर्थ है तत्प्रकृत वचन मयट हुआ अत्र वचन ग्रहणात् प्रकृत वचन वचन क्या वचन प्रकृत शब्द से हाँ प्रस्तुत मात्र में प्रचुर प्रसिद्ध है वचन ग्रहण करने से जैसे लोक में मयट के द्वारा कहा जाता है इसी समय होगा प्रकृत से का अर्थ प्राचुर्य वैशिष्ट सिद्धि जो प्रकृत है उसमें प्राचुर्य रह जाएगा क्योंकि लोक में से प्राचुर्य में ही मयट होता है यहाँ वचन कथन करने से प्रकृत कहें तो जो उपस्थित है उसका ग्रहण हो जाएगा जो प्रकृत है किंतु वचन ग्रहण करने से जहाँ लोक में प्रकृत का लोक में मयट के द्वारा कहा जाता है अधिकार के लिए ऐसा ज्ञान होगा लोक में जहाँ अन्न कहें प्रचुर कहें ना मयट करेंगे वो मयट कहें तो अधिक है आम्रमयम गोमयम तो ऐसे कहें तो बहुत है बहुत गोबर है गोमयम तो ऐसा प्रचुर अर्थ में प्राचुर्य वैशिष्ट्य की सिद्धि होती प्रकृत में प्राचुर्य वैशिष्ट्य प्रकृत का अर्थ हुआ प्रकृत से वचन है प्राचुर्य विशिष्ट का कथन क्योंकि तादृश से लोके मयट अभिधान लोक में तादृश से प्रकृत से प्राचुर्युक्त से प्राचुर्य विशिष्ट का मयट 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 का अर्थ लोके मयट अभिधान मयट का अभिधान अर्थ मयट कथन करता है प्राचुर्य को यथा अन्नमय यज्ञ या मयट है अन्न से क्या होगा अन्न प्रचुर मयट हो गया प्राचुर्य के लिए यदि अत्र ही प्रचुरम अस्मिन इति अन्न शब्द प्रचुर अन्न है जिस यज्ञ में बहुत अन्न है उसका अन्नमय कहते अन्नम प्रचुरम अस्मिन इति अन्नम प्रचुरम अस्मिन इति अन्न शब्द प्रथमा विहति शक्त अन्न है प्रथमा विहति उसे प्रचुर अन्न है तस्मात् मयट हुआ अन्न प्रचुर अन्न अन्नमय अन्न से प्रथमांत से मयट हुआ अर्थ क्या होगा यज्ञ से प्रकृति अर्थ अन्नमय में प्रकृति क्या है अन्न प्रत्यय क्या है देखो यज्ञ से प्रकृति अर्थ अन्न प्राचुर्यवासी प्रकृति का अर्थ प्रकृति क्या है प्रकृति अर्थ अन्न है प्राचुर्य कहाँ रहेगा अन्य अन्य प्राचुर्यवासी यज्ञ शब्द प्रकृति अथ अन्य प्राचुर्यवासी दृश्यते अर्थात यज्ञ में बहुत अन्न है न शुद्ध प्रकृत वचन शुद्ध मतलब प्राचुर्य को छोड़ करके प्राचुर्य वैशिष्ट नहीं खाली प्रकृत नहीं रहना शुद्ध मतलब प्राचुर्य रहित प्राचुर्य रहित प्रकृत के लिए नहीं किंतु क्या रहना प्राचुर्य विशिष्ट शुद्ध मतलब प्राचुर्य वैशिष्ट ही न शुद्ध का क्या अर्थ प्राचुर्य वैशिष्ट से रहित नहीं है अभी तो प्राचुर्य विशिष्ट को इति ध्येयम समझना भाष्य में देखो यथा अन्नमय यज्ञ इति अन्न प्रचुर उच्यते एवं आनंद प्रचुरम ब्रह्म आनंद भी उच्यते ब्रह्म हो गया आनंद प्रचुरम आनंद का प्रचुर है प्राचुर्य आनंद प्रचुर जिसमें ऐसे ब्रह्म को आनंद में कहा गया आनंद प्रचुरत्व ब्रह्म में कैसे है आनंद प्रचुरत्व ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्यो आरभ्य
उत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् स्थाने शतगुण आनंद इतुत्वा आनंद कहा शतगुण आनंद उसे सौ गुण आनंद इसे कहा। पहले मनुष्य आनंद को बताया, मनुष्य आनंद से आरंभ करके सौ गुणा उसे सौ गुणा उसे सौ गुणा ऐसे चलते चलते जब ब्रह्मानंद आ गया वो निरति से सबसे ब्रह्मानंद से निरति से तो अवधारणा तो ब्रह्मानंद हो गया निरति से सौ गुणा करते करते आगे गिनते नहीं सबसे हो गया अधिक ब्रह्मानंद। इसलिए प्रचुर आनंद हो गया। प्रचुर आनंद का होने से क्या होगा आनंद वेगा तो ब्रह्म है तस्मात प्राचुर्यार्थ महेठ प्राचुर्यार्थ महेठ हुआ तो यहाँ विकार अर्थ नहीं है। यद्यपि अन्नमय आदमी विकार अर्थ को आनंदमय में महेठ प्राचुर्यार्थ आनंद अधिक है परमात्मा का कथन किया। आगे तद्धेतु व्यपदेशाच तस्य हेतु व्यपदेश हेतु का तो कथन है क्या आनंद का हेतु है। ये सही आनंद यादि आनंद का हेतु है। जो बहुत आनंद होगा अन्य का आनंद दे सकता है। जिसके पास बहुत धन है वो अन्य को धन्य करा से धन दे सकता है। ये हेतु आनंद का हेतु आनंद हेतु कथन करने से क्या होगा अधिक आनंद है। इतश्च प्राचुर्यार्थ मयट आनंदमय में पूर्व पीछे कहता है मयट किस अर्थ में विकार अर्थ में सिद्धांत क्या कहता है प्राचुर्य तो सिद्धांत फिर कहता है प्राचुर्यार्थ मयट न कि विकार अर्थ क्यों नहीं यस्मात आनंद हेतु तो ब्रह्म व्यपदिशति ब्रह्म आनंद का हेतु का आनंद का हेतु जिसके बहुत आनंद होगा आनंद का है तो दूसरे को आनंद देते सकता है। स्वयं अधिक आनंद नहीं तो दूसरे को क्या देगा अपने पास बहुत धन है तो दूसरे को धन दे देगा आनंद बहुत है। कैसे ऐसा हे आनंद याति ये आत्मा ही सबको आनंद सुख देता है। आनंद याति को आनंद याति वैदिक प्रयोग यह है आत्मा है आनंद याति का अर्थ करते आनंद याति सबको आनंद देता है। जो सबको आनंद देगा वो आनंद प्रचुर है ना नहीं आनंद यति यो ही अन्यान आनंद यति सब प्रचुर आनंद इति प्रसिद्ध भवती। जो अन्य को सुख देगा उसके बाद तो प्रचुर आनंद है अन्य को आनंद देता है ये प्रसिद्ध होगा। जिससे दृष्टांत देकर बताते यथा लोके यो अन्य शाम धनिकत्वम आपादयति अन्य को धनी बना दिया को पुरोहित को धनी बना दिया किसी सेवा तन्य को धनी बना दिया राजा उसके बाद धन है नहीं तो पुरोहितों को सैनिकों के विद्वान को धनी बना दे किसे अन्य अन्य शाम धनिकत्व पा देते अन्य को धनी बना देता है। सब प्रचुर धन प्रचुरम धनम यस्य बहुत धन उसके बाद यदि गम्य थे अन्य को धनी बना दिया तो उसके पास धन नहीं होगा धन इसे अन्य को जो आनंद दे देगा वो क्या होगा प्रचुर आनंद। प्रचुर आनंद परमात्मा इसलिए मठ शब्द प्राचुर्यार्थ के लिए न कि विकार तस्मात प्राचुर्यार्थे भी मयट संभवात प्राचुर्यार्थे मयट है आनंदमय क्या अर्थ होगा पर यद्यपि विकार अर्थ में मयट है किंतु यह प्राचुर्य होगा हेतु कथन किया इसलिए आनंदमय आनंद प्रचुर पर है आत्मा। टीका में तद हेतु व्यपदे साच चकार है सूत्रस्थ च शब्दों अनुत्त समुचयार्थ इंद होता है वाचस्टि ये सूत्र ये च है अनुत्त का समुचय करने की इतर इस कारण से भी ये मयट प्राचुर्यर्थ में परे तो आ गया था और क्या इस कारण से भी प्राचुर्यर्थ कौन है तच अनुतम ब्रह्मानंद से निरति से तो अवधारणम पूर्व उत्तम ब्रह्मानंद में निरति से तो का निश्चय करना पहले आया था निरतिशय ब्रह्मानंद से निरतिशय तो अवधारण किया अनुतम ने ब्रह्मानंद से निरतिशय अवधारण और दूसरा हो गया प्राचुर्यार्थ भी तो अवधारण ये हो गया अनुत्त समुचय ब्रह्मानंद से निरतिशय तो अवधारण पूर्व उत्तम इतश्च इस कारण भी एक तो हो गया ब्रह्मानंद निरतिशय तो अवधारण और तद हेतु व्यपदेशाच चौदह से आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे लिंगम उत्तः प्रकरण महा
अभी जो बताया आनंदमय को ब्रह्म लेने के लिए लिंग दिया, ज्ञापक शब्द लिया, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या मालूम है, बोलो समाख्या ना समवाय पार दुर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा एक साथ हो गया तो पर दुर्बल है। श्रुति सबसे बलवती, उसके बाद लिंग प्रकरण, लिंग तो बता दिया आनंदमय से ब्रह्मत्व लिंग मुक्त्वा आनंदमय ब्रह्म है ऐसे लिंग कह दिया, ज्ञापक शब्द बता दिया, आनंद आनंद याति आनंद रूप अभ्यास शब्द बता दिया। अभी प्रकरण में प्रकरण देखना पड़ेगा, मूल में पहले सत्यम ज्ञान वो जहाँ आनंद आरंभ किया उसका ही तो चल रहा है, ब्रह्म का प्रकरण है उसी प्रकरण में आया इसलिए ब्रह्म ही होगा। प्रकरण महान मंत्र वर्णिकमेव च गीयते, मंत्र वर्ण में मंत्र में जो आया वो मंत्र वर्णिक ब्रह्म वही कहा जाता है आगे, क्योंकि उसका प्रकरण परे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म कहकर प्रारंभ किया मंत्र, जो ब्रह्म कहा गया उसी का ही प्रकरण में आया आनंदमय, इसलिए वह आनंदमय ब्रह्म प्रकरण में होने से वो क्या होगा ब्रह्म ही होगा वही कहा गया। इतश्च आनंदमय परे आत्मा, आनंदमय परमात्मा इसलिए होगा क्यों, यस्मात् ब्रह्मविद आपनोति परम, पहले तैतरे में ब्रह्मविद आपनोति प्राप्त करता है, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म रूप होता है। इति उपक्रम्य उपक्रमा आरंभ, आरंभ करने के बाद ब्रह्म का लक्षण बताया, क्या लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ये मंत्र है इतिहास्मिन मंत्र है, क्या प्रकृत हुआ ब्रह्म, यत प्रकृतम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहकर ब्रह्म को बता दिया प्रकृत है। वो ब्रह्म कैसा है सत्य ज्ञान अनंत विशेषण निर्धारितम, ब्रह्म का निश्चय हो गया, ब्रह्म क्या है ये सत्य है ज्ञान है अनंत है, सत्य ज्ञान अनंत रूप विशेषण से निर्धारित निश्चय हुआ ब्रह्म, उसका प्रकरण चल रहा है जिससे आकाशादि की उत्पत्ति हुई, यस्माद आकाशादिक्रमण आया तस्माद तस्माद आत्मन आकाश संभूत इत्यादि का, यस्माद आकाशादिक्रमण पहले आकाश की उत्पत्ति आकाश से वायु फिर तेज इस करके क्रम करके स्थावर जंगम सौ की उत्पत्ति, आकाशादिक्रमण स्थावर जंगमानी स्थावर और जंगम, स्थावर है अचर जंगम है चर चराचर, भूतानि सारे प्राणी सब कुछ उत्पन्न हुए और जायंत तो। जिससे उत्पन्न हुए यच्च भूतानि सृष्ट्वा भूत की सृष्टि करके तानि अनुप्रविश्य गुहायाम अवस्थितम, सब भूत बनाने करने के बाद तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य सृष्टि करके उसमें प्रविष्ट हुआ, तानि अनुप्रविश्य उनमें प्रविष्ट करके गुहा में स्थित उसमें प्रविष्ट होकर बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित है कौन ब्रह्म, जो जगत कारण ब्रह्म पहले बताया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वही सर्वांतरम आनंदमय शब्द से कहा, यश विज्ञान आया उसी सर्वांतर ब्रह्म को उत्पन्न करने के लिए आया अन्य अंतरात्मा ऐसे कह करके अन्नमय प्राणमय मन ऐसे कहते कहते अंतरिमा में आया इति प्रक्रांतम आरंभ किया, जो मंत्र वर्ण में कहा था तन मंत्र वर्णिकमय ब्रह्म यज्ञ थे अन्य अंतरात्मा आनंदमय, यहाँ किसको कहेंगे जो पहले मंत्र में आया था सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वही ब्रह्म यहाँ गीयते ज्ञान क्या कहा जाता है कहाँ अन्य अंतरात्मा आनंदमय, ये आनंदमय उसी प्रकरण में आया ब्रह्म के प्रकरण में तो आनंदमय ब्रह्म ही होगा इति। टीका में यस्मादेवं प्रकृतम
तस्मात् तन्मात्रवर्णिकमेव ब्रह्म आनंदमय इति वाक्य गीयते इति योजना मात्रवर्णिकमेव गीयते सूत्र का अर्थ क्या यस्मादेव प्रकृतम ऐसे प्रकृत हुए ब्रह्म विद्यापनति परम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ऐसा आरंभ हुआ इसलिए तन ब्रह्म मात्रवर्णिकम ब्रह्म आनंदमय इति वाक्य गीयते अन्य अंतरात्मा आनंदमय इस वाक्य के द्वारा कौन कहा जाता है मंत्र में जो है वर्ण ब्रह्म ये थे नन मंत्रोक्तम एव अत्र ग्राह्यमिति को निर्बंध पूर्व ऋषि कहता है मंत्र में आ गया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म मंत्रोक्त जो ब्रह्म है यहाँ उसको लेंगे क्या आग्रह है निर्बंध यहाँ क्यों लेना मंत्रोक्तम एव अत्र ग्राह्यम क्यों निर्बंध ऐसा संक्रमण से तथा से सिद्धांत कहता है मंत्र ब्राह्मण से एकार तत्व उत्तम जो मंत्र में आता है ब्राह्मण वाक्य में उसको व्याख्यान रूपाया जो मंत्र कहता है ब्राह्मण उसको कहेगा नहीं कि मंत्र का अर्थ अलग ब्राह्मण का अलग नहीं कुछ कुछ मंत्र वाक्य उसे ब्राह्मण आ गया मंत्र ब्राह्मण एकार्थतम एक अर्थ यही हो एकार्थकत्वम मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम वेद मंत्र ब्राह्मण मिल करके दोनों एकार्थ कहे युक्तम इसलिए जो मंत्र में कहा गया उसको ही लेना है ठीक है नहीं ब्राह्मण से मंत्र व्याख्यानत्वात् ब्राह्मण क्या है मंत्र का व्याख्यान रूपे और उपायत्वम अस्ति उपाय है ब्राह्मण उसके द्वारा मंत्र के जो कहा है उसका ज्ञान होगा उपाय कौन हुआ ब्राह्मण और उपेय कौन होगा मंत्र तो उपेय वो ज्ञान होगा उपाय पर ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोक्त अर्थ का ज्ञान होगा तदितम उत्तम अविरोधात् अविरोधात् क्योंकि मंत्र ब्राह्मण एक अर्थ होगा तो परस्पर विरोध नहीं होगा नहीं तो विरोध हो जाएगी अविरोधात् ठीक है मैं तैर उपाय उपेय भावात् उपाय उपेय भाव होने से दोनों परस्पर विरोध होगा तरी अन्नमयादि नामापि मंत्रवर्णिक ब्रह्म तो सात पूर्व पीछे कहता है यदि मंत्र वर्ण में जो ब्रह्म आया उनको ही आनंदमय कहा गया अन्नमय प्राणमय मनमय ये भी तो सब आया उसी के प्रकरण में जो मंत्र सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म उसी मंत्र में जो ब्रह्म कहा गया था उसी ब्रह्म यहाँ भी अन्नमय आदि में ले लो यदि आनंदमय लेना है वहाँ भी लेना है तरी अन्नमय आदि नाम अपनी मंत्रवर्णी का ब्रह्म तो क्या मंत्र वर्ण में जो ब्रह्म कहा गया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म उसके प्रकरण में अन्य में आदि को ब्रह्म कहना चाहिए इतना नच नहीं उसके पहले अन्यथा ही प्रकृत हाना अप्रकृत प्रकृत से आता यदि मंत्र को छोड़कर मंत्र को तो ब्रह्म को छोड़ करके अन्य कुछ लेंगे संसारी आनंद में सदस्य संसारी लेंगे तो क्या होगा प्रकृत का ग्रहण रहेगा प्रकृत का हान हो जाए त्याग प्रकृत से हान और संसारी कहाँ से आए अप्रकृत का प्रक्रिया अप्रकृत प्रक्रिया ये दो से प्रकृत से हानम और अप्रकृत से प्रक्रिया ग्रहण ये आपत्ति आएगी से आता हम यदि मंत्रोक्त ब्रह्म को नहीं लेंगे तो ये दोष होगा प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया ये दोष होगा आगे न च ठीक है न च अन्नमयादि व्यव आनंद व्याद अन्य अंतरात्मा अभिधीयते अन्नमय आदि से अन्य अंतरात्मा कहा गया अन्नमय के अंतर अन्य प्राणमय के अंतर अन्य मनोमय के अंदर अन्य कहा गया आनंदमय के अंदर अंत्य कुछ कहा गया इसलिए आनंदमय को ब्रह्म लिया अन्नमय आदि को ब्रह्म क्यों नहीं लेंगे उसके आगे उसके अंदर कहा गया अन्नमय आदि व्यव आनंदमय से अन्य अंतरात्मा अभिधीयते ना अभिधीयते एतनिष्ठ टीका में किंच भृगवे प्रोक्ता वरुणेन उपदिष्टा ये भृगु वाले में आया प्रोक्ता के न वरुणेन भृगुर्वे वारुणी वरुणम पितरम उपसासार वारुण का पुत्र है वारुणी उसका नाम भृगु है पिता के पास गया
वरुणम पितरम, पिता का नाम क्या है? अधि भगव ब्रह्म, ऐसे कहा तो पिता ने उपदेश दिया। पिता कौन है? वरुणेन उपदिष्टा भृगवे प्रोक्ता। वरुणेन प्रोक्ता किसके लिए? भृगु का चतुर्थांत क्या है? भृगवे कही गई, वरुण के द्वारा उपदिष्टा। कौन? भृगुवल्ली। भृगुवल्ली तैतृ उपनिषद में पंचम पर्याय स्थान पंथ आनंद प्रतिष्ठिता। पंचम पर्याय में जो आनंद आया, आनंदमय अन्नमय प्राणमय मनमय कर, पंचम पर्याय में कौन है? आनंद। उसने भृगुवल्ली प्रतिष्ठिता, वही कहते हैं भृगुवल्ली कहते, वही आनंद अर्थात जो ब्रह्म वही है। तत्र स्थान न्याय न तदेकार्थ ब्रह्मवल्या आनंदमय निष्ठा। स्थान तत्र स्थान पंचम पर्याय में स्थित है, उसे हेले क्या हुआ? तदेकार्थ ब्रह्मवल्या, ब्रह्मवली उसमें ही इसका अंतिम स्थान में आया ब्रह्म जो पहले आया। एकार्थ ब्रह्मवल्या आनंदमय निष्ठा, आनंदमय की निष्ठा किसमें? ब्रह्मवली का निष्ठा किसमें? आनंदमय किसकी निष्ठा? ब्रह्मवली की। ब्रह्मवल्या आनंदमय निष्ठा इतनिष्ठव च शैषा भार्गवी वारुणी विद्या। एतनिष्ठव शैषा भार्गवी वारुणी विद्या। भार्गवी क्यों हो गई? भृगवे प्रोक्ता इति भार्गवी, भृग से अन करके भार्गवी बन जाएगा। और विद्या का नाम वारुणी क्यों हुई? वारुणी प्रोक्ता इति वारुणी विद्या। तस्मात आनंदमय परे आत्मा, आनंदमय पर आत्मा ही है, न कि संसारी जीव नहीं है। ये वृत्तिकार मत के अनुसार सिद्धांति कह रहा है। नेतरो अनुपपत्ते है, फिर सिद्धांति कहते हैं इतरो न, मुख्य ब्रह्मा परमात्मा से भिन्न जीव आनंदमय शब्द से नहीं होगा। अनुपपत्ते संभव ही नहीं, आनंदमय शब्द नहीं कहा जाएगा। क्यों? अनुपपत्ति क्या है? वो कहेंगे सो काम है तो बहुत श्याम, कामना करने वाला कौन है? परमात्मा है जीव, जीव कामना कल्पना क्या बहुत श्याम प्रजा है परमात्मा है, इसे परमात्मा जीव नहीं होगा। इतश्च आनंदमय है परे आत्मा, नेतर नेतर इतर न इतर न, इतर कौन है? जीव। किससे इतर? इतर ईश्वराद अन्य, इतर शब्द का अर्थ ईश्वर, इतर का अर्थ अन्य, अन्य कहें तो किससे अन्य? ईश्वराद अन्य कौन है? संसारी जीव नहीं है, आनंदमय शब्द से संसारी जीव नहीं लेना। न जीव आनंदमय शब्द न विधीयते, न इतर का अर्थ इतर जीव आनंदमय शब्द न नहीं। क्यों नहीं? तस्मात अनुपपत्ति, अनुपन्न अप्रमाण। क्यों? आनंदमय ही प्रकृति श्रूयते, आनंदमय कह करके स्व काम ये तो बहु श्याम प्रजा ये इति, उसने कामना की बहुत हो जाऊँ बहुत उत्पन्न हो जाऊँ ऐसा। स्व तपो तप्य तो तप किया, सतप तप्त्वा इदम सर्वमसृजत, ये सारे सब की सृष्टि की उसने, किसकी? यदिदम किंच, जितने सब की सृष्टि, ये सब करने वाला कौन होगा? परमात्मा होगा। तत्र प्राग शरीरादि उत्पत्ति, शरीरादि उत्पत्ति के पहले जो कामना है जीव हो सकता है? शरीर के बिना क्या कामना करा? उत्पत्ति अभिध्यानम, अभिध्यान क्या था कामना? टीका में सृज्यमानानाम च विकारानाम, सृज्यमान जितने कार्य है विकार षष्ठा से अभिन्न है, भिन्न नहीं अव्यतिरिक अभिन्न, सत्सा से भिन्न है भिन्न नहीं है। सर्व विकार सृष्टि च, सारे कार्य की सृष्टि किससे होगी? परमात्मा से। न परस्माद आत्मनो अन्यत्र उपपद्यते, परमात्मा से भिन्न जीव में सारे कार्य सृष्टि बन जाएगी? कुछ कुछ कार्य जीव कर लेता है, सारे विकार सृष्टि नहीं होगी। और सारे कार्य उससे अभिन्न अभिन्न, जीव से अभिन्न होगा सारे कार्य? परमात्मा से भिन्न होगा, अन्यतम न उपपद्यते। टीका में स ईश्वर तप, स
स्व कामयत तप तप तप्य स्व तपो तप्यत आया ना स्व तपो तप्यत तप किया तप मतलब सृष्टि आलोचनम वो तप क्या सृष्टि पूर्व कल्प में सृष्टि जैसे उसका आलोचन विचार किया यही तप किया अतप्यत कितवान आगे दिया तत्र प्राक शरीरादुत्पत्तिर अभिध्यानम अभिध्यान शब्द का अर्थ क्या है कामना इच्छा की क्या कामना की बहुश्याम इति अव्यतिरिक बहुत हो जाना स्वयं बहुत हो जाएगा मिट्टी घट बनेगी तो घट मिट्टी से भिन्न है स्वयं परमात्मा में बहुत हो जाऊं जो कार्य प्रपंच परमात्मा से भिन्न ये ले हो गया बहुश्याम अत सृष्टि जितने कार्य उससे अव्यतिरिक वेतन भिन्न नहीं है। 16 सूत्र हुआ भेद व्यपदेशाच भेद कथन किया क्योंकि आनंद परमात्मा से भिन्न जीव को कहा भेद कथन करने से यहाँ जीव नहीं हो सकता है। इतश्च न आनंदमय संसारी आनंदमय संसारी नहीं होगा क्यों नहीं यस्माद आनंदमय अधिकार आनंदमय के प्रकरण में विषय में रसो वैसह रसे एवं लब्ध्वा आनंदी भवती रसो वैसह जो परमात्मा रस सारे आनंद रूपे और एवं जीव वो रस प्राप्त करके सुखी हो जाता आनंदी भवती ईश्वर को ईश्वर से भिन्न जीव को पढ़ा आनंद रसो वैसह परमात्मा रस है सारे और एवं जीव थोड़े रस प्राप्त करके आनंदी भवती इस कहकर क्या हुआ जीव आनंदमय भेदन व्यपदिशति आनंदमय को तो रस कह दिया जीव को अलग कह दिया जीव आनंदमय भेदन व्यपदिशति जीव प्राप्त करेगा आनंद क्या प्राप्त करेगा और जो प्राप्त करेगा जिसको वो भी यदि जीव होगा आनंद आनंदमय का अर्थ जीव करेंगे आनंदमय का जीव करेंगे और प्राप्त करने वाला जीव होगा जो प्राप्त करेगा उसको क्या कहेंगे लब्धा अब जो प्राप्त किया जाएगा वो भी लब्धव्य एक होगा ऐसे होगा प्राप्त करेगा अप्राप्तव्य एक होगा देखो नहीं लब्धा एवं लब्धव्य बहुत ही लब्धा लब्धा तो से त्रिचिकरण तो लब्धा बन जाएगा जसा तथो धो धो करके लब्धा एव जो लब्धा है वही लब्धव्य होगा प्राप्तव्य लब्धव्य प्राप्त करने का कर्म विषय करता होगा नहीं होगा इसलिए प्राप्त करने वाला जीव है और जो प्राप्त करेगा आनंद कौन है परमात्मा है। ठीक है मैं ये आया आनंदमय अधिकारी में आया अधिकार अधिकारी का क्या अर्थ है प्रकरण आनंदमय के प्रकरण में रस रसो भाई सह स कौन है आनंदमय रस है ननु लब्धि लब्ध भावे अभेद क्यों न सार पूर्व पीछे कहता है लब्धा है जीव लब्धवे आनंदवे दोनों अभेद क्यों नहीं होगा कहता है सिद्धांत नहीं लब्धे व लब्धव्य जो लब्धा है करता है वही स्वयं कर्म होगा नहीं होगा ननु लब्धि लब्धव्य भेद से आवश्यकत्व लब्धि लब्धा अलग लब्धव्य कर्म दोनों में भेद होना चाहे अपने कहा ठीक है आवश्यकते श्रुति स्मृति और बाध सियात भेद मानेंगे तो श्रुति स्मृति में बाध हो जाएगा कैसे बाध हो जाएगा आगे प्रश्न है कैसे बाध हो संकते कथम कथन तरी आत्मा अनिष्टव्य आत्मा अनिष्टव्य अन्वेषण करेगा कौन है आत्मा है अनात्मा आत्मा अन्वेषण करेगा अनिष्टव्य कौन है अन्वेषण करने वाला भी आत्मा है और कर्म भी आत्मा है आत्मा ही जीवात्मा है ना आत्मा अनिष्टव्य तो आत्मलाभात न परम विद्यते आत्मलाभ से पर नहीं लाभ किसका होगा किसको लाभ होगा तो लब्धा लब्धते एक होता है यदि लब्धा लब्धव्य में भेद अवश्य होगा तो आत्मा अनिष्टव्य आत्मलाभात न परम विद्यते ये जो श्रुति और स्मृति है ये कैसे बनेगा ये तो विरुद्ध हो जाएगा
बाद हो जाएगा। यावता न लब्धेव लब्धव्य भवति इति उत्तम, आपने कहा जो लब्धा वो लब्धव्य नहीं होगा। यहाँ तो आत्मा अनुष्ठव्य लब्धव्य आत्मा, और आत्मा ही अनुष्ठान करने वाला, आत्मा लाभात न परविद्यते। आत्मा को जीवात्मा को कहेंगे उसे लाभ क्या होगा, आत्मा का लाभ, अपने स्वरूप का लाभ, अपना स्वरूप का लाभ, अपने स्वरूप का अनुष्ठान करना, यहाँ तो स्पष्ट हो गया। जो लब्धा ही लब्धव्य, जो तुम कहो तो लब्धा लब्धव्य न भवति, ऐसे कैसे कहते हो? ये पूर्व पक्षी के कहने पर सिद्धांत कहता है बाढ़ ये ठीक है, ठीक है, फिर भी तथापि आत्मनो अप्रच्युत आत्मभाव से वसत तत्वानुबोध निमित्तो मिथ्येव देहादिषु अनात्म सात्व निश्चय लौकिको दृष्ट। या मिथ्येव शब्द है तत्वानुबोध निमित्तो मिथ्येव है, है हाँ, तीन टीका वाले में नहीं हुआ लेकिन यहाँ के पुस्तक में मिथ्य हुआ लेकिन तीन टीका वाले में हाँ, ये बाढ़ तो हुआ उसके आगे बताएं क्या। ओम ओम पूर्णमद दक्षिणा मूर्ति।